नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी खबर उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बुलंदशहर की हिंसा पर। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि घटना जो हुई है वो एक बड़ी साजिश के तहत हुई है। इस साजिश का एक इंडिकेशन मैं आपको दे देता हूं, इसका विश्लेषण कर देता हूं थोड़ा सा, कि जैसा कि बुलंदशहर में मुस्लिम पक्ष के लोगों का एक इवेंट था, उस इवेंट में 10 से 15 लाख लोग आए हुए थे, जबकि उन लोगों ने माना हुआ था कि 25 से 30 लाख लोग बुलंदशहर में रहेंगे। तो योगी सरकार ने पूरा उनका इंतजाम इस तरीके से किया हुआ था कि कोई भी विवाद, कोई भी घटना ना घटे, इस तरह से उन लोगों को इस तरह की सुरक्षा दी गई थी। आज की जो दोगली मीडिया है, दोगले जो विरोधी हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या घटना दिखाई है कि सुबोध कुमार को मार दिया गया, सुमित को मार दिया गया, बजरंग दल आतंकवादी हो गया, हिंदू आतंकवादी होगा, इस तरीके से घटनाएँ इन लोगों ने दिखाई हैं। मैं दोगली मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि जिस जगह 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे हों और वहां पर कोई घटना ना हो, तो क्या शासन अच्छा नहीं है? वो क्या कुशासन है? मैं उन लोगों को एक चेतावनी देता हूं जो इस एक बड़े आयोजन को, धार्मिक एक बड़े आयोजन को कह रहे हैं कि योगी सरकार इस पर फेल है, योगी सरकार यहां पर विफल हुई है। मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि योगी सरकार ने उस इवेंट को, उस आस्था के सम्मेलन को इस तरीके से बरकरार और इस तरीके से उसको सुनियोजित ढंग से आस्था के उस सम्मेलन को इस तरीके से कराया जिसमें कोई ही वाद विवाद नहीं हुआ। अब आती है बात घटना की। जिस जगह इनका आयोजन था उससे 40 किलोमीटर दूर सियाना थाना, तो वहां पर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? जिस समय बजरंग दल के जिला संयोजक योगराज सिंह, उन्होंने एक एफआईआर शाना थाने में दी और बोला कि 7 लोगों के नाम खिलाफ दर्ज रिपोर्ट है जो कि एक पक्ष से आते हैं, वो मुस्लिम पक्ष से आते हैं। तो उस साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि 9 बजे उन्होंने एफआईआर की, बायकायदा रजिस्टर्ड भी हुई, रजिस्टर होने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका भी एक रीजन रहा है। एक्शन हुआ, आपको आज तक नहीं पता होगा कि एक्शन नहीं हुआ या हुआ, उसको मैं बताता हूं। एक्शन हुआ था। एक्शन क्या हुआ था? एक्शन हुआ कि जो गौ कसी के अवशेष बचे हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। तो पुलिस, सियाना थाने की पुलिस सुबोध कुमार के अंडर काम कर रही थी, तो उन लोगों ने उनको ठिकाने लगाने का पूरा प्रयास किया, जबकि वहां पर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि उनके सामने पुलिस का कुछ भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जिला संयोजक योगराज जो अवशेष थे उनको लेकर के थाने पर आए, थाने पर आकर के उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शन कोई भड़काऊ नहीं था, कोई हिंसा वाला प्रदर्शन नहीं था, वो बहुत शांत प्रिय प्रदर्शन चल रहा था। बस पुलिस को ये था कि पुलिस अपना काम अच्छी तरह से करे। मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसा कि सुबोध कुमार की बहन ने भी इसका बयान दिया है कि ये पुरानी एक घटना दादरी में जो हुई थी वो भी गौकसी की थी, उसमें अखलाक को कुछ लोगों ने मार दिया था। उसकी जांच में सुबोध कुमार लगे हुए थे। उनका कहना है कि इस वजह से साजिश के साथ इनको मारा गया है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में ये भी कहा गया है कि ऐसो वो ये वही है क्या, ऐसा सुनने को मिला है, कुछ गाली गलौच भी हुई है, भीड़ ने उन पर अटैक किया था। अब बात आती है ये कि जो हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल हो, शिवसेना हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इनका
ये जो घटनाक्रम जो चल रहा था यहाँ पर, ऐसा कोई इनका उद्देश्य नहीं था कि हम किसी के साथ मारपीट करें या किसी को मौत के घाट उतार दें। इनका सिर्फ विरोध प्रदर्शन इस बात का था कि जो भी घटना हुई है इसको पुलिस बखूबी निभाए और जो दोषी हैं उनको जेल में भेज दे। जब पुलिस इस काम को नहीं कर पाई तो वहाँ पर एक साजिश नजर आ रही थी। साजिश वही थी जो अखलाक की इंक्वायरी में सुबोध कुमार लगे थे, वो भी अखिलेश कुमार की सह पर। इस तरह की घटना इतनी बड़ी हो जाती है तो मीडिया, जो दोगली मीडिया है, वो सिर्फ ये फोकस करती है कि बजरंग दल शिवसेना के लोगों ने सुबोध कुमार को मार दिया, सुबोध कुमार को मार दिया। सुबोध के साथ सुमित भी मारा गया है, सीधी गोली उनको भी लगी है, गोली उनको भी लगी है। वैसे एडीजी कह रहे हैं कि गोली नहीं पत्थर लगा है और पत्थर की वजह से इनकी मौत हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट में साबित हो गया है कि उनको गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि जो घटना थी, बजरंग दल वाले तो सिर्फ अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दर्ज कर रहे थे कि इसको, जो घटना हुई है इसको मूर्त रूप दे करके उन दोषियों को सजा दी जाए। मैं दोगली मीडिया को यही कहना चाहूँगा कि जब जिस जगह 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे हों और उस जगह कोई वारदात ना हो, तू से तू तक ना हो, मतलब तुमसे तू तक ना हो इस जगह और उस जगह जहां पर योगी की सरकार हो, योगी की सरकार ने बखूबी इस आस्था के इवेंट को और आस्था के सम्मेलन को बहुत अच्छी तरह से निभाया, कोई घटना नहीं होने दी। 40 किलोमीटर ही पहले क्यों घटना हुई, इसमें भी तो कोई ना कोई राज होगा कि योगी सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए। विरोधी पार्टियों का ये पूरा मुहिम थी जिससे कि 2019 में इलेक्शन आने वाले हैं उसमें एक्सपोज हो जाए कि बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है। ये सिर्फ एक कांग्रेस की चाल और विरोधी पार्टियों के नाकाब तरीके हैं। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर शांत प्रिय वातावरण बना रहने दें, हिंदू मुस्लिम ना करें। योगी सरकार ने साबित करके दिखाया है कि 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए फिर भी वारदात हुई तो वहाँ पर ऐसे कंट्रोल कर लिया गया कि हिंदू मुस्लिम जैसा कोई कांड नहीं हुआ। योगी सरकार की एक कामयाबी है और यूपी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं उनके लिए सल्यूट करता हूँ। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अपने हाथों लिया और इसको बखूबी मूर्त रूप दिया। बाकी जांच का विषय है, जांच के विषय में सब पता चल जाएगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, क्योंकि ये योगी सरकार है, इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा। योगी सरकार ने तुरंत घटना को उनके संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना के अंदर संलिप्त मिलता है उसको सीधा जेल की हवा दिखानी है और साथ ही साथ जो निर्दोष हैं उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। इस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस ने बहुत अच्छा बखूबी हिंदू मुस्लिम होने से बचाया है, देश को एक शांत प्रिय सौहार्द दिया है। इसके लिए मैं कहता हूँ काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है, ऐसा मीडिया ने आज तक नहीं दिखाया। अगर मीडिया इस चीज़ को दिखाती कि 10 से 15 लाख मुस्लिम वहाँ पर थे और 40 किलोमीटर दूर एक वारदात हो जाती है वो भी हिंदू मुस्लिम, फिर भी कुछ नहीं हुआ ऐसे सम्मेलन में। सम्मेलन अयोध्या में भी हुआ था, वहां पर भी 10 से 15 लाख हिंदू इकट्ठे हुए थे, वहां तो कोई घटना नहीं हुई। अगर हिंदू ही आतंकवादी है तो घटना तो अयोध्या में भी होनी चाहिए थी। और आने वाले 9 दिसंबर को हिंदू सारे संगठन रामलला की जयकार करते हुए दिल्ली भी पहुंचेंगे। अगर हिंदू आतंकवादी है तो पूरे देश में हिंदू रहता है, हर जगह कुछ ना कुछ घटना तो होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सरकार को बदनाम करना विरोधियों की चाल है, तो ऐसी चाल से
हम सबको बच के रहना है, सावधान रहना है, ऐसी किसी चाल में ना फंसे। कोई भी मूवमेंट आए, हिंदू मुस्लिम का ऐसा आए, तो उसको ना तो वायरल करें, ना शेयर करें, ना उसको कहीं तक पहुंचाएं। मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है, इस तरीके की खबरों को ज़्यादा तवज्जो ना दें। अगर तवज्जो देंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो बड़ा रूप ना ले जाएं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।